नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा तुलिंज पुलिस थाने पर अपराध का बोझ कम करने आचोले में खोला गया नया पुलिस स्टेशन, 2 अक्टूबर को हुआ उद्घाटन। वसई सन सिटी में माणिकपुर पुलिस के नए क्राइम यूनिट कक्ष का भी हुआ शुभारंभ। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के गठन को 1 साल पूरा हो चुका है। वर्तमान में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस 1 वर्ष के दरमियान में वैसे तो पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन प्रशासन का ग्रामीण से शहरीकरण होने के कारण एवं दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध के चलते शहर की दृष्टि से वर्तमान में आयुक्तालय अंतर्गत मौजूद पुलिस स्टेशन की कमी व स्टाफ की कमी को पूरा किया जाने का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में नालासोपारा, जहां अपराध सबसे ज़्यादा है, के पूर्व में मौजूद तुलिंज एवं नालासोपारा के अलावा अब आचोले में एक नए पुलिस थाने की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन पुलिस आयुक्त IPS सदानंद दाते के साथ उपायुक्त जोन 2 जोन 3, सहायक पुलिस आयुक्त वसई नालासोपारा विरार सभी की उपस्थिति में स्थानीय महिला अमलदार के हाथों संपन्न हुआ। आचोले पुलिस स्टेशन के साथ ही वसई मणिपुर पुलिस थाने की क्राइम यूनिट के नए स्थापित किए गए कक्ष का उद्घाटन भी इसी प्रथम वर्षगांठ के कार्यक्रम अंतर्गत वसई जोन 2 के पुलिस उपायुक्त संजय कुमार पाटिल एवं सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप गिरिधर के साथ मणिपुर पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आचोले अंतर्गत हुए उद्घाटन कार्यक्रम में पुलिस के जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पुलिस आयुक्त को सलामी दी। सभी शामिल हुए अधिकारी कर्मचारियों ने आयुक्त एवं दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। इसी प्रथम वर्षगांठ के कार्यक्रम अंतर्गत मणिपुर पुलिस ने 4 अक्टूबर को एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी रखा है। देखिए इन दोनों उद्घाटन के कार्यक्रम की झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।